नीट 2024 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर Q2 है। और इस Q2 में जो क्वेश्चन नंबर पहुंचे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। इससे पहले भी कई क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग, वो आई थिंक सारा क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 40 से 45 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन में वो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, वही सब में से घुमा फिरा क्वेश्चन सब आया है। बहुत सारा क्वेश्चन तो डायरेक्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में किए हुए हैं, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में सब चीज़ हम लोग किए हुए हैं। और इसी तरीके से क्लास 11th में रहता है ये चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, उसमें भी किए हुए हैं। तो बहुत ईजी ये क्वेश्चन बनेगा, बस पहले समझिए करना क्या। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ गया तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसमें सेम होगा, इन पांचों में से किसका किसका सेम है। तो आप देखिए कि किनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सबका इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम 21, उसके बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। तो टाइटेनियम कितने में आ रहा है, 22, इसका एटॉमिक नंबर 22 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो इसके लास्ट में आने वाला है 4s2 3d2, ये आएगा कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन 3+ का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 3 कहाँ से लॉस करेगा, पहले 2 यहाँ से लॉस करेगा, यहाँ बचेगा 0, और d में 1 यहाँ से लॉस करेगा तो d में कितना बचेगा, 1। ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो इसके लास्ट में आता है 4s1 3d5। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्रोमियम के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 6 अनपेयर्ड है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है क्रोमियम में इनर पेनल्टीमेट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो पेनल्टीमेट शेल ये होता है थर्ड वाला, ये कहलाएगा वैलेंस शेल, ये कहलाएगा पेनल्टीमेट शेल, ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। इसमें कितना अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड है। अब 3+2+ कह रहा है, 2+ का मतलब होगा एक जाएगा फोर्थ ऑर्बिट से, एक जाएगा थर्ड ऑर्बिट से, तो ये हो जाएगा खाली और यहाँ बचेगा 4। Mn2+, Mn का एटॉमिक नंबर 25, तो 25 में कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, 4s2 3d5। लेकिन Mn+2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, तो 2 लॉस कहाँ से होगा, 4s से, तो 4s में कितना बचेगा, 0। Fe2+, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो लास्ट वाला आएगा 4s2 3d6, ये आएगा कॉन्फ़िगरेशन। 2+ का मतलब 2 लॉस, तो यहाँ कितना बचेगा, 0। इसका निकालिए, स्कैंडियम, स्कैंडियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d1। 3+ का मतलब 3 लॉस, तो 2 यहाँ से लॉस हो जाएगा और 1 यहाँ से लॉस हो जाएगा, तो 3d में कितना बचा, 0। अब किसी के पास 3d सेम नहीं है, तो हमको 3d सेम से मतलब ही नहीं, 4s सेम से मतलब ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अगर आप 3d1 रखोगे तो 3d1 का मतलब होगा इसमें 1 अनपेयर्ड आ रहा है, सिंगल अनपेयर्ड। 3d4 का मतलब होगा 4 इलेक्ट्रॉन आपको रखना है, 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिला, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 रखना है, 3d में 5 है, तो 5 रखने का क्या तरीका होगा, 1 2 3 4 5, कितना अनपेयर्ड मिला, 5, सेम नहीं आया। 3d0 इसमें तो है ही नहीं, 3d6 को रख के देख लीजिए, 6 को रखिएगा तो रखने का क्या तरीका होगा, रखने का तरीका होगा एक एक पेयर रखना है, 1 2 3 4 5, 10 पेयर ऑफ 6, 6 हो गया ना, इसमें कितना अनपेयर मिला, 1 2 3 4 अनपेयर, तो n का वैल्यू कितना, 4। तो किस किस में n का वैल्यू 4 आ रहा है, किस किस का सेम आया, यही क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से बी है, और कौन सा है, डी है। तो बी और डी में अनपेयर टर्न का संख्या सेम है, अनपेयर्ड अगर सेम आएगा तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आएगा। तो सही ऑप्शन इसमें कौन हो सकता है, इन 4 ऑप्शंस में सही ऑप्शन होना चाहिए बी और डी वाला, बी और डी कौन सही है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऐसा, और हम लोग क्लास में किए हुए होते हैं, तो इजी भी होता है, जरूरत है कि प्रैक्टिस करिए और इस तरह का इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेकर के नीट अच्छे से क्वालिफाई करिए। नीट प्रिपरेशन 2025 के लिए जुड़े रहिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ कराया जाता है। इस वीडियो में इतना, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।